नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्य खबरों के साथ मैं टीना सोनी। जिला फुटबॉल संघ के महारावल चैतन्य राज सिंह संरक्षण, छुक सिंह सोडा अध्यक्ष व मांगीला सोलंकी सचिव बने। स्कूल के पहले दिन अच्छे मौसम ने किया स्वागत। छुट्टियों के बाद हंसते हुए बच्चे पहुँचे स्कूल। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत हेल्दी लीवर कैंपेन का आगाज। रोटरी क्लब जैसलमेर की नए सत्र की शुरुआत की रक्तदान शिविर के साथ। अब खबरें विस्तार से। जिला फुटबॉल संघ के महारावल चैतन्य राज सिंह मुख्य संरक्षक, छुक सिंह सोडा अध्यक्ष व मांगीला सोलंकी सचिव बने। जिला फुटबॉल संघ जैसलमेर की नव कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को निर्विरोध सम्पन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी अशोक तंवर, व्याख्याता राजकीय बालिका महाविद्यालय, जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई व राजस्थान फुटबॉल संघ के पर्यवेक्षक जय नारायण गहलोत की उपस्थिति में शुक्रवार को जिला फुटबॉल संघ जैसलमेर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी निर्वाचित हुए। चुनाव पश्चात आयोजित संघ की बैठक में राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्देशानुसार महारावल चैतन्य राज सिंह को मुख्य संरक्षक व नखत सिंह भाटी को संरक्षक मनोनीत किया गया। स्कूल के पहले दिन अच्छे मौसम ने किया स्वागत। छुट्टियों के बाद हंसते हुए पहुंचे बच्चे स्कूल। जैसलमेर में आज सुबह से मौसम बढ़िया बना हुआ है। आसमान में बादलों की वजह से हवा भी ठंडी चल रही है, जिससे शुक्रवार को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बढ़िया शुरुआत हुई। बढ़िया मौसम से सबको गर्मी से राहत मिली। इसी मौसम से स्कूल जाने वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट भर दी। निरोगी राजस्थान अभियान अंतर्गत हेल्दी लीवर कैंपेन का आगाज। 28 जुलाई 2022 तक होगा क्रियान्वयन। हेपेटाइटिस संबंधित विभिन्न जागरूकता गतिविधियों एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का होगा आयोजन। डॉक्टर सोनी स्वास्थ्य भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। जुलाई 2022 में इसका पूरा फोकस रहेगा। इसके अंदर सभी विभागों का सहयोग लेते हुए जिस प्रकार तंबाकू कार्यक्रम को हमने संचालित किया, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को भी अभियान को भी संचालित करने वाले हैं। सभी प्रोग्राम, सभी विभाग मिलकर के, प्रशासन मिलकर आम जन में ये जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करेंगे कि जो लीवर है, जो हमारा अमूल्य अंग है हमारे, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, कौन कौन सी चीज़ें नुकसान कर सकती है, और इससे जो बीमारी होती है वायरल हेपेटाइटिस नाम की, जो 5 प्रकार की होती है, उस बीमारी को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, किस प्रकार इलाज करवा सकते हैं, कहाँ इलाज करवा सकते हैं, इन बातों को लेकर हम आम जन में जाएंगे। ग्राम सफाई वगैरह और दूसरे विभाग, पानी वाला विभाग, सारे मिल करके आम जन को जागरूक करेंगे, उपचार करेंगे। हमारे जैसलमेर जो हॉस्पिटल है उसका उपचार उपलब्ध है, वहाँ पर उपचार की व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है। बस थोड़ा सा इसके बारे में सभी को एक बार पता चल जाए कि लीवर को लेकर लापरवाही नहीं करना है। रोटरी क्लब जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नए सत्र की शुरुआत रक्तदान शिविर के साथ। रोटेरियन प्रतीक चांडक ने क्लब के अध्यक्ष व रोटेरियन नरेंद्र व्यास ने सचिव का पदभार संभाला। निशा भाटिया तथा रोटेरियन अजरा मलिक ने पहली बार किया रक्तदान। जैसलमेर 1 जुलाई 2022 रोटरी क्लब जैसलमेर स्वर्ण नगरी डिस्ट्रिक्ट 3054 के 1 जुलाई 2022 से आरंभ हुए नए सत्र शुभारंभ क्लब द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ से। नमस्कार।